संघ प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि हिंदू धर्म के मूल में देशभक्ति है, इसलिए कोई हिंदू देशद्रोही नहीं हो सकता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मेकिंग ऑफ अ हिंदू पैट्रियट बैकग्राउंड ऑफ गांधी जी हिंद स्वराज नामक किताब के विमोचन के मौके पर मोहन भागवत ने यह बात कही। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी ने एक अवसर पर कहा था कि मेरी देशभक्ति मेरे धर्म से निकलती है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जेके बजाज और एमडी श्रीनिवास की किताब मेकिंग ऑफ ए हिंदू पोर्ट्रेट बैकग्राउंड ऑफ गांधीज हिंद स्वराज का विमोचन किया। इस अवसर पर भागवत ने कहा, एक बात साफ है कि हिंदू है तो उसके मूल में देशभक्त होना ही पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी देशद्रोही नहीं है। स्वराज तब तक आप नहीं समझ सकते जब तक आप स्वधर्म को नहीं समझते हैं। गांधी जी कहते थे कि मेरा धर्म पंथ धर्म नहीं बल्कि मेरा धर्म तो सर्वधर्म का धर्म है। गांधी जी ये भी कहा करते थे, मेरी देशभक्ति मेरे धर्म से निकलती है। मैं अपने धर्म को समझकर अच्छा देशभक्त बनूंगा और लोगों को भी ऐसा करने को कहूंगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, गांधी जी ने कहा था कि स्वराज को समझने के लिए स्वधर्म को समझना होगा। एकता में अनेकता, अनेकता में एकता, यही भारत का मूल सोच है। पूजा पद्धति कर्मकांड कोई हो, लेकिन सभी को मिलकर रहना है। अंतर का मतलब अलगाववाद नहीं है। हम पहले से ऐसा मानते हैं कि देशभक्त ये संज्ञा कुछ लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए नहीं, ऐसा नहीं। एक प्रवृत्ति होती है प्रत्येक व्यक्ति की, कम से कम भारत में होती है। वो इस भूमि को पवित्र मानता है, इस भूमि को अपना मानता है। तो एक आत्मीयता पूर्वक पावित्र्य की भावना इस भूमि में वो रखता है, वो उसकी पूजा भी करता है। जमीन की पूजा, माटी की पूजा, ये भारतवर्ष के सब लोगों में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। परंतु गांधी जी ने जो बात कही है वो गौर करने लायक है। ये देशभक्त तो हम सब हैं, लेकिन गांधी जी ने कहा कि मेरी देशभक्ति मेरे धर्म से निकलती है। तो हिंदू पेट्रियॉट यानी हिंदू है तो पेट्रियॉट होना ही पड़ेगा, उसको वो मूल में उसके प्रकृति में वो है। हाँ, ऊपर की राग धूल झाड़कर उसको खड़ा करना पड़ता है। सोया हुआ पेट्रियॉट रहता है और जागृत पेट्रियॉट रहता है, ये हो सकता है, लेकिन भारत विरोधी ऐसा कोई नहीं रहता है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।